अगली खबर प्रतापगढ़ से है। विश्वासनाथगंज विधानसभा के मानधाता टीवीएस एजेंसी के बगल साई सहायता केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार अवनीश मिश्रा ने फीता काट कर किया। इस दौरान साई ट्रस्ट के अध्यक्ष समाज सेवी व अधिवक्ता धर्मराज सिंह उर्फ लल्लू वाली ने कहा, कार्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य गरीब व्यक्ति चाहे जिस कास्ट का भी हो उसके निशुल्क सेवा की जाएगी। जिस भी परिस्थिति में वह परेशान रहेगा उसकी सहायता की जाएगी। तन मन धन तीनों चीजों से इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 11 कन्याओं का विवाह मैं अपने पूरे खर्चे के साथ निर्वहन करूंगा और समाज हित के लिए गरीब पीड़ित परिवार का मैं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और निःशुल्क हम उनकी सहायता करेंगे। आपको बता दें, साई सहायता केंद्र कार्यालय अमित सिंह पत्रकार के देखरेख में संचालित होगा। साई ट्रस्ट भी चलाते हैं। मानधाता की धरती विश्वनाथगंज विधानसभा में आपने संकल्प लेकर के एक कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्षेत्र के हर जात धर्म के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। मेन उद्देश्य क्या है आपके कार्यालय खोलने का? मानधाता विधानसभा में सबसे पहली बार एक कार्यालय खुल रहा है और चाहे जिस कास्ट का हो उसकी निशुल्क सेवा की जाएगी। जिस भी परिस्थिति में वो परेशान रहेगा उसका सहायता किया जाएगा। तन मन धन तीनों चीज़ से सहायता किया जाएगा। और विश्वनाथगंज में ये कार्यालय पहली बार खुल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। जो भी पीड़ित होंगे उनकी निःशुल्क यहाँ पे जो है हर चीज़ की उनके मुहैया कराई जाएगी। जैसे आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा, आगे हम लोग करते रहेंगे इस कार्यक्रम को। इसके अलावा आपने संकल्प लिया है कि 11 गरीब कन्याओं की प्रतिवर्ष आप शादी करेंगे। जी, उसमें न मुझे किसी चंदे की ज़रूरत है न मुझे किसी के, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग लड़की भी देख लीजिए, लड़का भी देख लीजिए, दोनों पक्ष मेरे पास आ जाएंगे। सारा खर्चा मेरा रहेगा। मैं निःशुल्क शादी कराऊंगा दोनों लोगों की। इसके अलावा समाज में और क्या करना चाहते हैं आप समाज हित में? समाज हित में कई तरह से हैं। जिस तरह से उनको समस्या होगी, चाहे पति पत्नी का झगड़ा होगा, किसी भी स्तर का झगड़ा होगा, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे और निःशुल्क उन लोगों की सहायता करेंगे। विश्वनाथगंज में काफ़ी लोग ऐसे जिला जेल मुख्यालय में बंद हैं और अन्य जनपदों में बंद हैं जिसकी सहायता नहीं हो पा रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको हर मदद, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में वो रहेंगे तो उनकी निःशुल्क हम सेवा करेंगे, बस वो मेरे पास आएँ। और क्या सोच है सेवा भाव की, मानव दृष्टिकोण से? बस विचार आया कि विश्वनाथगंज जनता में हमको एक अपनी पैड बनानी है और निःशुल्क सेवा करनी है।